दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 709B के अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे जंक्शन तक 2820 करोड़ की लागत से बनने वाले 31.30 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे का शिलान्यास समारोह का आयोजन वजीराबाद रोड स्थित मैदान में आयोजित किया गया। इस राजमार्ग का शिलान्यास नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस समारोह में बीजेपी के बड़े नेतागणों के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग के विकास हेतु यह परियोजना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के अक्षरधाम जंक्शन से प्रारंभ होकर गीता कॉलोनी शास्त्री पार्क लोनी मंडोला मावी कला आदि को जोड़ते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन तक एक सिग्नल मुक्त तेज गति यात्रा को सुनिश्चित करेगी। यह एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वाहन दौड़ेंगे। इस खंड में गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी तक 7 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड होगा। राजमार्ग पर स्थानीय यातायात के लिए दोनों ओर 3-3 लेन की सर्विस रोड और पैदल यात्रियों व छोटे वाहनों के लिए 5 अंडरपास बनाए जाएंगे। वहीं इस समारोह में अपने भाषण के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने अपनी गायकी से सभी को मगनमुग्ध कर दिया और सरकार के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिसके चलते उनके संसदीय क्षेत्र की जनता को इस राजमार्ग के बन जाने से काफ़ी लाभ होगा और उत्तर पूर्वी दिल्ली को प्रदूषण और जाम से मुक्ति मिलेगी। बहरहाल इस राजमार्ग के बन जाने से दिल्ली और यूपी की जनता को काफ़ी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहन, दिल्ली की सबसे बड़ी दो समस्या है, एक है जल प्रदूषण और दूसरा है वायु प्रदूषण। ये जो एयर पोल्यूशन है, इसका कारण दिल्ली में लगातार ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक जाम से कितनी तकलीफ होती है ये आप लोग रोज भुगतते हो, उसमें मैंने क्या कहना चाहता। पर इस समस्या को सुलझाया जा सकता है, इस समस्या को सुलझाना कठिन है पर असंभव नहीं है और इसलिए दिल्ली की इन दोनों समस्याओं को सुलझाने का एक रूप से एक आह्वान हमारे भारत सरकार ने और दिल्ली के सांसदों ने भूल नहीं सकते, आगे आने वाली पीढ़ियां भी आती है। भैया मैंने तो कह दिया, रहो कैमरा भाई हटाओ के कामों से हो रहा मुहूर्त है 5 साल मोदी की जरूरत है। ऐसे ही लोग रहेंगे, विपक्ष के जिंदाबाद, विपक्ष के किसी को आप सोचिए, नितिन गडकरी एक निगेटिव बात नहीं कही। अब आप याद करिए, उद्घाटन नहीं कर रहे थे वो जो क्षुद्र राजनीति कर रहे थे, उसको हम विकास के समर्थक हैं और हम जमुना पार्क को उसका हक के साथ उत्तरी पूर्वी जनता को आश्वासित किया आपके उसके बारे में। नितिन जी ने जो आज कहा उसकी नींव मैं और जगदीश प्रधान जी, जब मैं करौली पश्चिम से चुनाव लड़ा था उसके बाद मनोज जी के पास गए थे जी। उस दिन मनोज जी ने समय लिया था, नितिन जी ने हमारे सामने, तो नितिन जी गए थे सिर्फ उस सड़क को चौड़ी कराने के लिए, नितिन जी से जो सभापुर से आगे है, तो नितिन जी ने खुद मनोज जी कहा था, मनोज ये छोटी चीज़ तुम्हें थोड़ी देनी है, ये बोल मुझसे बड़ी चीज़ को मांग जब यहाँ आया, तो हम हर जगह तुम्हें प्रचार में भेजते हैं, हर जगह हमारी बात रखते हो, आज को बड़ी चीज़ मुझसे मांग।
मंत्री के नाते मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा था अगर दे सकते हो तो मुझे मेरी दिल्ली का कार्यकर्ता, दिल्ली का नागरिक जहाँ से यहाँ तक बिना नॉन स्टॉप वहाँ जाए, उसी दिन नींव रखी गई थी उसकी। आज जो नितिन जी ने कहा कि लोगों को आज पहली बार पता चला होगा, हम तो टाइम टू टाइम जब भी मिलते थे, मेरी दसियों बात जब भी मनोज जी से हुई तो मेरा एक ही विषय होता था जाने का कि पुस्तवाली रोड का क्या हुआ। जितने भी लोग कमेंट नेगेटिव करते थे बढ़ चढ़ के सारे को शेयर करके मनोज जी को रात को भेजता था। हालात ये है कि हमें चुनाव से पहले इसको करना है, और अब से पहले जब से 25 साल राजनीतिक जीवन हो गया मेरा, ना तो इतनी बड़ी सभा, ना इतना बड़ा नेता, ना इतनी कमिटमेंट का नेता, आज पहली बार गर्व महसूस हो रहा है कि मैं ऐसे सांसद के क्षेत्र में हूँ जिसकी एक आवाज़ में देश का प्रधानमंत्री कुछ भी करने को तैयार। जिस तरह से कहीं एक दस्तूर होता है कि एक शोरूम खुलता है तो एक के साथ एक फ्री मिलता है, और आपको भी और दिल्ली की जनता को भी इस तरह का, उत्तरी पूर्वी जनता को एक के साथ एक फ्री मिला है, सड़क के साथ बस भी, एयर बस आप जो मिली, ये सब चीज़ें यहाँ घोषणाएं पहली बार दिख रही हैं। लेकिन मनोज जी और नितिन जी की टाइम टू टाइम कई 100 बैठकें हो चुकी हैं, और आने वाले दिनों में आज भी मैं कहूँगा नितिन जी आधी बात बोल के गए हैं, सच पूछो तो 10 पैसा बोल के गए हैं। एक बार आप मनोज जी की दूसरी पारी में आप देखोगे तो विश्व के किसी भी कोने से नाम लोगे सिग्नेचर ब्रिज के बाद का, इस विश्व का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल तो बनने वाला है, तो ये बनने वाला है। पूर्वी दिल्ली के मेयर होने के नाते ये आपके क्षेत्र की उपलब्धि को आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। जो गणतंत्र दिवस के दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी के प्रयास से और नितिन गडकरी जी के द्वारा जो ये तोहफा दिया गया, तो मैं सभी अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ। जो एक पूर्वी दिल्ली सबसे पिछड़ा क्षेत्र जाना जाता था, आज के बाद हमारी पूर्वी दिल्ली सबसे आगे का क्षेत्र जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे रोड पर सफ़र करेंगे जो रोड कहीं दिल्ली में कहीं भी नहीं है। उड़ती हुई एयरबस के बारे में जो देखिए, साथ साथ जैसे एक हमारा कहावत है कि जब बच्चे का शादी होता है तो उसके साथ एक हम लोग के गांव में लोकनी बुलाया था, लोकनी भी मिल जाता है। वैसे ही आज नितिन गडकरी जी ने रोड के तोहफा के साथ साथ एक एयर बस भी डबल डेकर यहां देकर गए, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने क्षेत्रवासियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के उनको इतना उत्साहित किए, उन्होंने कुछ देने के लिए और मजबूर हो गए। सर, पानी के जाँच के लिए क्या कहना चाहते हो आप? जो पानी के जांच के लिए देखिए, बहुत सुंदर कार्य हमारे नितिन गडकरी जी ने कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जमुना जी अगले मार्च तक पूरे गंगा जी 101% स्वच्छ हो जाएंगी, तो ये काम के लिए जैसा कि दिल्ली से लेकर के आगरा तक लोगों को जाने के लिए जमुना में जहाज देने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था किया कि लोग इसका भी सफ़र करके जा करके आगरा का ताजमहल देखेंगे, इससे अच्छा और दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ साथ उन्होंने बताया दिल्ली के विकास के लिए 50,000 करोड़ की परियोजना उन्होंने दे रखा है, जो कुछ जमीन पे है, कुछ होने वाला है। अभी उन्होंने द्वारका के लिए बताया कि प्रधानमंत्री से समय ले रहा हूँ, जो 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने दिल्ली के लिए दिल खोल करके दिया दिल्लीवासियों के लिए। हम सभी दिल्लीवासी उनको हार्दिक दिल से बधाई देते हैं, इसी तरह हमारे दिल्ली के लिए काम करते रहे। जो 6 लेन का ये एलिवेटेड रोड है, आज हमें हमारे माननीय सांसद, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी के माध्यम से श्री नितिन गडकरी जी ने दिया है। मैं इसकी उनके अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और अपने दोनों बड़े नेताओं को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। जो 70 सालों से पिछड़ा हुआ क्षेत्र हमारा पूर्वी दिल्ली था, अब इसमें जो नई नई योजनाएँ आ रही हैं, हमारी पूर्वी दिल्ली का एक विकास होगा और विकास की गंगा हमारी पूर्वी दिल्ली में बहेगी। हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री का बेटा सांसद रहा, जयप्रकाश अग्रवाल सांसद रहा, उन दोनों के कार्यकाल में एक भी कोई ऐसा बड़ा इनॉग्रेशन नहीं हुआ, उद्घाटन नहीं हुआ। और आज 70वें गणतंत्र दिवस, जिसकी मैं सबको बधाई भी देता हूँ, ऐसे शुभ दिन पर आकर के हमारे नेताओं ने जो सौगात दी है, वास्तव में मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जिस तरह से नितिन गडकरी जी ने गंगा सफाई की बात की है, और गंगा सफाई को लेकर बड़े निरंतर बहुत लंबे समय से अभी सफाई को लेकर जो बात चलती है, और अभी तक गंगा साफ नहीं हो पाई, जमुना साफ नहीं हो पाई, लोगों का विश्वास, पहले क्या हुआ कैसे हुआ मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन नितिन गडकरी जी ने बड़े स्टेज पर बड़े गर्व से कहा कि मैं नितिन गडकरी हूँ और जो कहता हूँ वो करता हूँ, तो जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाएंगे। और जो गंगा है जिसमें हमारी आस्था जुड़ी हुई है,
हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है और वो स्वच्छ और निर्मल होगी तो हम सबके लिए पावन पर्व की बात है, ये पावन की बात है। और नितिन गडकरी जो कहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि भारत सरकार में सबसे सर्वश्रेष्ठ किसी का काम है तो नितिन गडकरी जी का है, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और गंगा निर्मल होगी, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, हिंदू धर्म के लिए सौभाग्य की बात। लोगों के लिए क्या संदेश है? संदेश तो यही है ना कि 2019 फिर से एक बार मोदी सरकार, आप हमें साथ दें, हम विकास करेंगे। उन्हें 26 जनवरी की बधाई, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई, आभार। क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में भी अब पार्टी सोचने लगी है, करने लगी है, और मैं समझती हूँ कि जब ये रोड बन जाएगी तो हमें प्रदूषण से और जिसे कहते हैं जाम से बहुत मुक्ति मिलेगी और उत्तर प्रदेश से कनेक्टिविटी जो है दिल्ली की वो बनेगी तो लोगों को सुविधा। आप डॉक्टर हैं और डॉक्टरों के लिए एक जैसे एम्बुलेंस की जो प्रॉब्लम उत्तरी पूर्वी में होती है, जाम में एम्बुलेंस फंस जाती है, मरीजों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपकी दृष्टि से क्या लगता है कि कितना लाभ मिलेगा? देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली या स्पेशली दिल्ली का किसी भी हिस्सा, एम्बुलेंस एक ऐसी मतलब वाहन है जिसको मेरे ख्याल से सबसे पहले रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन अगर जगह ही नहीं होगी तो लोग चाहें भी तो उसको रास्ता नहीं दे पाते। कई बार हम देखते हैं ट्रैफिक में पेशेंट की हालत इतनी ख़राब होती है कि लोग हटते हुए भी उसको रास्ता नहीं दे पाते हैं। इस तरफ हमारा सिग्नेचर ब्रिज खुल गया है, यहाँ से कई बार मैं ही अपने हॉस्पिटल से पेशेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे साथ जाना पड़ता था या इधर उधर से निकाल के जाना पड़ता था। तो ये पेशेंट्स के उसके मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही लाभकारी होगा। जी आप महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हैं, आप बताएं कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, महिलाओं की समस्या को जो निरंतर सुबह शाम अपने जॉब के लिए जाती हैं और जाम में फंसती हैं, कैसा निजात मिला है? देखिए मोदी जी के जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आज मैं कहती हूँ दिल्ली का नंबर वन क्षेत्र बना दिया है यदि हम आज कहें तो, क्योंकि जो 2.5 घंटे हम शास्त्री पार्क से और खजूरी आने में लगाते थे अब मात्र 5 मिनट का रन वो रह जाएगा। तो ये एक ऐतिहासिक तोहफा हमें भारत सरकार मोदी सरकार ने दिया है। तो हम क्षेत्र की जो महिलाएँ हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को, जहाँ ऑटो आने वाले मना कर देते थे कि नहीं अरे कहाँ खजूरी, नहीं वहाँ तो बहुत जाम लगता है, अब 1-2 साल के अंदर जब ये बन जाएगा तो बहुत आराम से यहाँ पे सारी परिवहन व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। जी बताएं आज के प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने जो उत्तरी पूर्वी जनता को जो सौगात दी है वो कितनी महत्वपूर्ण थी? मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं वो हम लोग के लिए ये 26 जनवरी का सौगात लेके आए हैं और हमारी सोनिया भैया की जनता इतनी खुश है कि ऐसे मनोज तिवारी ऐसे सांसद जी जो हर बार चुने जाए सांसद के लिए और हर बार ऐसे सांसद का यहाँ हमारे धरती पे बार बार का आने का और ये कार्य और जो अब इन्होंने देखा यहाँ हमारे सोनिया बिहार की स्थिति और यहाँ से गढ़ी मांडू तक का शास्त्री पार्क तक जो स्थिति देख रहे हैं उस पर तत्काल ये इस पर नज़र डाले और जनता की समस्याओं पर नज़र डाले तो इनको हमारी जनता भूल भूल धन्यवाद देती है और प्रशंसा करती है कि ऐसे मनोज तिवारी सांसद हमेशा बने रहें तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं कहना चाहूँगी कि अक्षरधाम से जोड़ती हुई जो सहारनपुर के लिए जो रोड जा रही है ये बहुत ही हमारी जनता के लिए बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है और करवा रहे हैं हमारे नितिन गडकरी जी और सांसद जी, क्योंकि जनता इतना परेशान हो जाती थी कि आके कहती थी मैडम कुछ करो यहाँ पे, मैडम कुछ करो, और मैडम नियम पार्षद होते हुए फिर भी ऊपर अपने भैया से बोलती थी, मनोज तिवारी जी से भैया बोलते थे आने दो समय हो जाएगा, लेकिन आज वो समय आ गया है और हर जनता के चेहरे पे हंसी लाए हैं, इसके लिए हम और हमारी सभी जनता मनोज तिवारी जी को और नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं।